हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल लेट्स एक्सप्लोर पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पोस्ट किए हैं रिलेटेड टू डैश कैम, बहुत सारी क्वेरीज हैं। कुछ के आंसर तो मैंने वैसे कर दिए हैं साथ साथ में, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पैरेलली कमेंट के आंसर करना। बट आप सब लोगों का बहुत 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 थैंक्स, आप लोगों ने वीडियो को देखा और आप लोगों ने क्वेश्चंस उसमें पूछे हैं। सीरियसली बहुत अच्छा लगा जब आप लोग कमेंट करके कुछ पूछते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्विकली इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो सबसे मेजर क्वेश्चन जो इसमें से है, मैं जो क्वेश्चन है जिसके मैं वन सेकेंड ओके जो मेन क्वेश्चन है कि आपने ये कैमरा कहाँ से परचेज किया और कितने का आपको, क्या कॉस्ट आपको पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने ये कैमरा सबसे पहले अमेजोन से ऑर्डर किया था। बट एक उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैंने इवन पेमेंट सब कुछ कर दिया था। प्रॉब्लम क्या हो रहा था उसमें कि जब मैंने एक्चुअली कस्टमर केयर फ़ोन करके कंफर्म किया कि इस डैश कैम के अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा, क्योंकि जो डिटेल्स अमेजोन पे दे रखी थी वो मींस कंप्लीट डिटेल नहीं थी, इनसफिशिएंट डिटेल थी। उसमें हार्डवेयर किट आएगी नहीं आएगी वो सब उसमें मेंशन नहीं था। बिकॉज मेरे को प्राइमरली ये चाहिए जो था वो बेसिकली जब गाड़ी ऑफ होती है, यानी कि उस टाइम पे मेरे को इसका यूज़ केस ज़्यादा मेरे लिए है। तो आई थॉट कि लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद अमेजोन पर्सन। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मेरे को क्लियर कट ये नहीं बताया कि इसमें हार्डवेयर किट आएगी या नहीं आएगी। इवन उनको भी ये श्योर नहीं था कि इसमें हार्डवेयर किट है या नहीं। बट जो लोग डैश कैम देख रहे हैं उनको पता है कि अगर कार ऑफ में भी रिकॉर्डिंग चाहिए, पार्किंग में भी, जब गाड़ी आपकी पार्किंग मोड में होती है, गाड़ी खड़ी है उस टाइम पे भी रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आपको क्या चाहिए, हार्डवेयर किट उसमें इंस्टॉल उसमें लगानी ही पड़ेगी। आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू जब गाड़ी आपकी ऑफ होगी उस कंडीशन में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अमेजोन से, अगर आप अमेजोन की डिटेल मीन्स जहाँ से जहाँ पे ये प्रोडक्ट होता है उसकी जब आप थोड़ा सा डिटेल देखोगे तो उसमें आपको एक डिटेल मिलेगा कि ये कैमरा या ये डैश कैम या कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट आपको कौन सेलर सेल कर रहा है। तो वहाँ से मुझे उसमें सेलर की डिटेल मिल गया था, तो मैंने डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च किया, देन आई विल कम टू नो बेसिकली जो ये डीलर है जहाँ से ये मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है वो लोग दिल्ली बेस्ड हैं। तो मैंने उन लोगों को डायरेक्टली अप्रोच किया, तो वहाँ पे एक सक्षम करके हैं, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरे को बोला यस हमारे पास अवेलेबल हैं। और उन्होंने ही मेरे को बताया था कि इंडिया में जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसका डैश कैम के वो वही लोग हैं। कैमरा का अमाउंट उन्होंने 17,400 के अराउंड, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 100-200 रुपीज़, बट ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 17,400 रुपीज़ है। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन अमेजोन से हम ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि एटलीस्ट आप लोगों को, हम लोग इतना श्योर होते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा तो हम लोग अमेजोन से रिटर्न कर लेंगे। बट डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो आप, पेमेंट पहले करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट भेजेंगे, प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, प्रोडक्ट सही होगा नहीं होगा, कैमरा में कोई प्रॉब्लम आया तो मींस नॉर्मल ऑब्वियस है, बीइंग सब ह्यूमन बीइंग है तो सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कहीं अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं कैसे करूँगा। बट लकीली मेरा ब्रदर, चाचा जी का लड़का है, मेरा ब्रदर है वहाँ पर दिल्ली में, जहाँ पर ये इम्पोर्टर हैं डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे बिल्कुल पास में ही उसका अपना बिजनेस है वहाँ पे दिल्ली में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। और मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उसको डिटेल दिया कि आप वहाँ पे जाके प्लीज़ एक बार देखो कि ये शॉप वहाँ पे है या नहीं है और कैमरा की डिटेल लेने के लिए। तो उसने सारा कुछ वेरीफाई किया, सब कुछ ओके लगा, ऑन द सेम डे मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया। और पेमेंट के बाद मैंने अपने ब्रदर को ही बोला था कोरियर करने के लिए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जल्दी चाहिए था। तो यस, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था बट मैंने ऑर्डर कैंसिल किया जस्ट बिकॉज कि उसमें हार्डवेयर किट नहीं थी। मैंने ये ऑर्डर किया है दिल्ली से, फोटो मीडिया करके है ये एड्रेस, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये विजिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस डाल के दे दूँगा। यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है ऑफलाइन 17,400 के अराउंड मेरे को ये कॉस्ट किया था।
सेकेंड जो क्वेश्चन जो इसमें पूछा था और कुछ इसके बारे में, हाँ इसमें आपको 3-चैनल कैमरा प्लस आपको हार्डवायर किट इसमें इंक्लूडेड होगी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले वाला मेरा वीडियो है, आप प्लीज़ उसमें देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी। उसके बाद नॉट अवेलेबल इन बैंगलोर एंड ऑन अमेजोन ऑल्सो, यस मैं एक सक्षम करके हैं, उनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली इनसे बात कर लें, ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको यहाँ से आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा है एसडी कार्ड से रिलेटेड, बाकी आप आई डोंट नो जो भी जिन्होंने मेरे को ये कमेंट किया है, आप कौन सा डैश कैम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सेम इसी कंपनी का डैश कैम यूज़ कर रहे हैं i07 देन i07 512GB सपोर्ट करता है, और मैंने जो इसमें एसडी कार्ड लगा रखा है वो सैमसंग का ईवो प्लस लगा रखा है 512GB का, एंड मेरे को अभी तक कोई एरर या कुछ ऐसा उसमें नहीं आया है, एंड 512GB सपोर्टेबल है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया 17,400 इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी। आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं इट टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। यस मेरे केस में मेरे ब्रदर दिल्ली में थे तो मेरे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो ये एड्रेस है जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनके पास में ही रहते थे, तो मैंने ये ऑफलाइन लिया है। यस ये जो इम्पोर्टर है ये दिल्ली के ही हैं, लॉरेंस रोड में है, और फोटो मीडिया शॉप नंबर 106 फर्स्ट फ्लोर आरजी सिटी सेंटर LR ब्लॉक नंबर B LSC लॉरेंस रोड। जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं तो आप प्लीज इस एड्रेस को देख, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, आप यहां से देख सकते हैं। तो अभी तक मेरा एक और क्वेश्चन आया है फॉर पार्किंग मॉनिटरिंग आई हैव कनेक्टेड दिस, ओके सो अगर आप लोग XUV700 में लगा रहे हैं या किसी भी गाड़ी में लगा रहे हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एक बार अपनी कंपनी में जाके एक बार बात करके फ्यूज़ बॉक्स में कहाँ कहाँ लगाना है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, बट डेफिनेटली आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो वो इंस्टॉलेशन करके भी दे देंगे, जो कि मेरे केस में हुआ है, मैंने उन्हीं से इंस्टॉलेशन करवाया है। और सुपर कैपेसिटर के बारे में, यस ये आपका मैंने रिप्लाई आपको कर दिया है, ये कैमरा के अंदर ही होता है, ये आपकी जो कार बैटरी है उसको उसकी उसको यूज़ नहीं करता है, ये सुपर कैपेसिटर आपके कैमरा के अंदर ही आपको मिलेगा। ओके तो मेरे को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है कैमरा को, अभी तक कोई मेरे को प्रॉब्लम उसमें एज ऑफ नाउ नहीं आई है। बेस्ट पार्ट इज आपको 3-डायरेक्शनल वी कैन से आपको आउटसाइड बैक साइड और कैबिन की रिकॉर्डिंग इसमें मेरे को मिल रही है, क्वालिटी नो डाउट अच्छी है। अगर आप 4K रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको जो बैक साइड वाला रेयर में जो आपने कैमरा लगा रखा है वो आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप तीनों आपके जो डैश कैम है जो तीन कैमरा तीनों के साथ अगर आप तीनों प्लग्ड इन है मेनली तो आपका 4K फ्रंट वाला रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है आप बैक जो सबसे पीछे लगा है उसको आप वहां से निकाल सकते हैं, मींस आपके कैमरा के पास ये ऑप्शन है, आप केबल को निकाल दो वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन है एंड गुड थिंग इज यू कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द वॉइस रिकॉर्डिंग, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सैम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग डाला है, ये कैबिन रिकॉर्डिंग है, तो आप वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। लुक भी अच्छा, हमारी गाड़ी में पता नहीं सेट होंगे नहीं होंगे, ग्रिल एक अजीब सी है हमारी वाली, अदरवाइज भाई इतने मस्त दिखते हैं। मैं सोच रहा हूँ पूरा लोअर ग्रिल जो है ना उसमें 4 ऐसे लगाने के लिए, कहीं भी लगाओ ये ना उसमें बड़े अच्छे लगते हैं एंडेवर में। एक यूट्यूबर है झाखड़ करके, नाम भूल गया, हाँ मालूम है, वो विकास प्यार का दोस्त है, हाँ उसकी देखना एंडेवर, उसने लगाया, क्या शख्सियत है यार। मेरे को लाइट क्यों चाहिए पता है, यूजेबिलिटी के लिए, बारिश में वो जले, हाँ
दिखे रोड, लेकिन उसके लिए मुझे अलग से स्विच नहीं लगवाना। तो पार्किंग वाले के साथ उसको परमानेंट कनेक्ट कर लो ना, दिस इज द प्रॉब्लम। पार्किंग ऑन होगी वो भी ऑन हो जाएगी, या नीचे फॉग लैम्प ऑन होंगे उसके साथ कर लो। तो ये था कैमरा के बारे में। बाकी अगेन आप लोग कोई भी कैमरा ले रहे हैं, ये मेरी चॉइस है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने परचेज किया। और भी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर हैं, आप उनका भी देख सकते हैं, कंपेयर करके आप ले सकते हैं। सो यस, अगर आप इसमें देखेंगे ट्रिपल कैमरा रिकॉर्डिंग, 2.5K फ्रंट, 1080p कैबिन, 1080p रियर। अगर आप ड्यूअल चैनल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ड्यूअल चैनल मीन सिर्फ जो आपका मेन यूनिट है, कैमरा का जो मेन यूनिट है, अगर उसमें दो कैमरा आपको मिलेंगे, फ्रंट फेसिंग और कैबिन फेसिंग, तो अगर सिर्फ आप उसी को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रियर वाला आपकी केवल आप निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में आप 4K फ्रंट और 1080p कैबिन का आप कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को और भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा एज सून एज रिप्लाई करने का। मैंने ये कैमरा ऑफलाइन लिया है, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कैमरा लेने की तो बेस्ट ऑप्शन आप अमेज़ॉन के थ्रू एक बार ट्राई कर लें। हार्डवेयर किट का ज़रूर कंफर्म करें, और अगर आप जो मैं एड्रेस दे रहा हूँ उसी से ही लेना चाहते हैं तो आप ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसकी ऑथेंटिसिटी और ये सीट प्लीज़ ज़रूर वेरीफाई कर लें। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ ज़रूर वेरीफाई कर लें, बिकॉज 17,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो आप ऑर्डर करने से पहले आप प्लीज़ ज़रूर देखें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Keep supporting, keep subscribing, and keep sharing my channel.